फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीचर्स ब्लॉग। आप सभी देख रहे हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और मैं बिलासपुर जा रही हूँ एक कैफे फंक्शन में। वहाँ पर अपने मम्मी पापा भी आने वाले हैं, तो चलते हैं। मैं बिलासपुर पहुँचने वाली हूँ। ट्रेन को बार बार आउट करते रहते रहे और उसकी वजह से मेरे को बहुत लेट हो रहा है। बिलासपुर पहुंचने के बाद मैं अपने चाचा के साथ बाइक से पार्टी हॉल, जहां पर पार्टी का अरेंजमेंट था, वहां जा रही थी। मैं ऐसी तैयार हो गई हूं और यहां पर पार्टी शुरू हो गई है। यहाँ मेरे चाचा के दो ट्विंस हुए हैं, एक बॉय एक बेबी। उनका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसी के पार्टी में हम लोग आए हुए हैं सबको। मैं एक बार आपको लॉन का फुल व्यू दिखा देती हूँ। बिलासपुर में पार्टी ख़त्म होने के बाद अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने होम टाउन जा रही हूँ, वरेंद्रगढ़। नवरात्रि का समय था और रास्ते में हर जगह पे भंडारा मिल रहा था। इतना अच्छा लग रहा था ना गाइस कि क्या बताऊं। ये थोड़े थोड़े दूर पे एक एक फैमिली भंडारे का अरेंजमेंट करी थी और सब लोग भंडारे का भोजन एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो मैं यूजुअली रोड ट्रिप्स को उतना पसंद नहीं करती हूँ बाय कार, क्योंकि मुझे कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट उस दिन मुझे बहुत ही मज़ा आया और रास्ता भी बहुत सुंदर था। मस्त मम्मी पापा के साथ बात करते करते कैसे पूरा समय कट गया समझ ही नहीं आया। मस्त कार में गाना सुनते सुनते हम इंजॉय करते हुए पूरे जंगल के रास्ते को पार करते हुए हमारे होम टाउन की तरफ जा रहे थे। बिलासपुर से निकल के 3.5 आवर का ट्रैवल करते हुए हम फाइनली अपने होम टाउन मनेंद्रगढ़ पहुँच गए हैं और ये वहाँ का एंट्रेंस है। नवरात्रि है इसलिए पूरा रोड सजा हुआ था और बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि अभी अभी मनेंद्रगढ़ नया जिला भी बना हुआ है तो उसका भी डेकोरेशन था और साथ साथ नवरात्रि भी पड़ गई थी, तो पूरा शहर इतना अच्छा सजा था कि बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। रास्ते में मेला भी लगा हुआ था तो मैं उसका भी वीडियो बनाते हुए चली। एक दिन यहाँ पर भी जाएंगे हम। फाइनली मैं अपने घर के पास पहुंच गई हूं और अब जल्दी से ही घर में इंटर करूंगी। वहां हम सभी का सबसे ज़्यादा वेट हमारा पेट सैम कर रहा होगा। वो बहुत ही क्यूट जर्मन शेफर्ड है, तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन है हम सबको देख के। मम्मी पापा भी आज सुबह से निकले हुए हैं ना, तो उनको नहीं देखा होगा दिन भर, तो बड़ा परेशान हो रहा होगा उनके लिए वो। फाइनली हम घर आ गए। उसको छोड़ के गए थे। मम्मी छोड़ के फाइनली मैं घर आ गई। अपने घर से अच्छी जगह कुछ हो ही नहीं सकती और अपने रूम से बेस्ट प्लेस कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। एग्री। तो मैं अभी इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।